दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। बैशाख की दशमी को जन्मी त्रिलोकधनी मुनि सुब्रत नाथ भगवान के जन्म और तप कल्याणक महोत्सव पर मुनि सुब्रत नाथ जिनाले में अभिषेक शांतिधारा पूजन के साथ भगवान ने मंदिर क्षेत्र में पालकी में सवार होकर भ्रमण किया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती कर अपने घरों के सामने स्वागत किया। ये पालकी सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई, जो कि जगदीश कॉलोनी हार्ट रोड मंडी होते हुए हनुमान कॉलोनी पहुंची। लोगों ने भगवान के जन्म और तब कल्याण का गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का निराकरण नहीं किए जाने पर 4 के विरुद्ध नोटिस जारी। कलेक्टर द्वारा विभागवार लंबित पत्रों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर फ्रैंक नोवाले की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए ऐसे विभाग जो सी और डी ग्रेडिंग में बने हुए हैं, उन्हें और अधिक प्रयास कर ग्रेडिंग में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि विशेषकर डी ग्रेड में बने हुए विभाग स्वयं समीक्षा कर शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं किए जाने पर जिला आबकारी अधिकारी JN किराड़े, जिला पंजीयक OP अम्ब, जिला रेशम अधिकारी अशोक घुरैया को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर आयुक्त को भेजने के निर्देश दिए। सफाई मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गुना जिले में आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा जिला गुना द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के तत्वावधान में प्रांतीय निर्देश अनुसार सफाई कर्मचारी एवं श्रमिकों की बरसों से लंबित 18 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांगे इस प्रकार रखी। सफाई कारगरों को 2005 से पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों द्वारा इसको लागू किया गया है। मध्य प्रदेश की समस्त नगर निगम नगर पालिकाओं में सफाई ठेका प्रथा समाप्त की जाए। मध्य प्रदेश के समस्त सफाई कामगार मित्रों के पद से रोस्टर प्रणाली को समाप्त किया जाए। मध्य प्रदेश में वर्ष 1996 से 2007 एवं 2007 से 2021 तक के समस्त संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी सफाई कामगारों एवं श्रमिकों को स्थायीकरण योजना का लाभ देते हुए नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश के नगर पालिका निगमों में कार्य श्रमिक वाहन चालक जिस पद पर हैं उस पद से संबोधित किया जाए तथा सर्विस पुस्तिका में पद नाम दर्ज किया जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदर्श क्रमिका संरचना 2014 को समाप्त किया जाए एवं अन्य विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। विश्व मलेरिया दिवस पर जिला स्वास्थ्य विभाग गुना द्वारा मलेरिया के कारण लक्षण व इससे बचाव के उपाय के संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर जिले में 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। विश्व मलेरिया दिवस पर स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों व आशा वर्कर्स द्वारा जिला चिकित्सालय से जन जागरण रैली निकाली गयी, मलेरिया से सावधान रहने के लिए आह्वान किया। रैली का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से हुआ, जो लक्ष्मीगंज जयस्तंभ चौराहा AB रोड होते हुए जिला चिकित्सालय परिसर पहुंची, जिसका समापन हुआ। रैली में अतिथि भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली, CMHO डॉक्टर राजकुमार ऋषिश्वर, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी बुनकर, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा, जिला महामारी विज्ञानी सत्येंद्र रघुवंशी, जिला CPHE सलाहकार सत्येंद्र शर्मा, सहायक मलेरिया अधिकारी विष्णु रघुवंशी, DCM जगन सिंह सोलंकी एवं अजय पाटकर, मलेरिया कार्यालय CMHO कार्यालय का स्टाफ एवं बड़ी संख्या में शहरी आशाएं रैली में उपस्थित रहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल के गुना आगमन पर भाजपा जनों ने किया भव्य स्वागत। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रो SP सिंह बघेल का विगत रात्रि में बाय कार अशोकनगर से चलकर गुना आगमन हुआ। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि केंद्रीय कानून राज्य मंत्री के गुना आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार के साथ भाजपा जनों ने गुना सर्किट हाउस पहुंचकर उनकी भव्य अगवानी कर उनका स्वागत किया।
गुना पुलिस अधीक्षक के ऑपरेशन शिकंजा के तहत जनजागरूकता हेतु 26वीं वाहिनी बल द्वारा शहर में निकाली गई साइकिल रैली। राज्य शासन के निर्देशानुसार गुना पुलिस अधीक्षक राजू कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस अधीक्षक गुना के दायित्वों के साथ साथ कमांडेंट 26वीं वाहिनी गुना का अतिरिक्त प्रभाव संभाला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक राजू कुमार मिश्रा जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है और इसके लिए उनके द्वारा जिले में एक विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत गुना पुलिस द्वारा नशा माफियाओं के विरुद्ध निरंतर कार्रवाइयां करते हुए उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। विश्व मलेरिया दिवस पर धरनावदा में जनजागृति एवं जलभराव की जगह पर किया गया छिड़काव। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर धरनावदा में चलाया गया अभियान जिसमें घर घर जाकर लोगों को मलेरिया के बचाव के संबंध में धरनावदा उप स्वास्थ्य केंद्र के CHO राजपाल सिंह राजपूत, जन अभियान परिषद व भारतीय अंतर युवा मोर्चा के रोटियाई मंडल अध्यक्ष नितीश शर्मा ने लोगों को जानकारी साझा की। ईश्वर कण कण में उपस्थित है, आवश्यकता इस बात की है कि हम उसे सच्चे मन से याद करें। सत्संग में जो सुख है वे सभी स्वर्ग तुल्य सुखों से बढ़कर है। उक्त विचार ओम प्रकाश पारासर ने प्रकाश निमावत के निवास पर हुए स्वाध्याय में व्यक्त किए। गुना एवी रोड मारुति शोरूम के सामने एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को रोड के बीचों बीच रख दिया जिस कारण काफी देर तक जाम लगा रहा। राहगीरों द्वारा बताया गया कि बाइक वाले ने दारू पी रखी थी। मलेरिया से बचाव एवं रोकथाम की जागरूकता के लिए बैठक का हुआ आयोजन। विश्व मलेरिया दिवस के उपलक्ष्य में विकासखंड चाचौड़ा में विभिन्न स्कूलों और HWC पर मलेरिया से बचाव एवं रोकथाम की जागरूकता के लिए बैठक का आयोजन किया गया। जिले में स्वास्थ्य मेला का आयोजन रहा प्रशंसनीय, बोले जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले। स्वास्थ्य मेला आयोजन से संबंधित विभागों को दी बधाई। जिले की चाचौड़ा पुलिस द्वारा दहेज प्रताड़ना के मामले में लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। जानकारी अनुसार थाना चाचौड़ा में अपराध क्रमांक 463/16, धारा 498A 34 भादवी एवं न्यायालय चाचौड़ा के प्रकरण क्रमांक 383/16 में आरोपी रामस्वरूप लोधा निवासी ग्राम सावलपुरा के विरुद्ध न्यायालय में स्थायी वारंट जारी होकर तामिली हेतु चाचौड़ा थाने पर प्राप्त हुआ था। जिले में स्वास्थ्य मेला का आयोजन रहा प्रशंसनीय, बोले जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले। स्वास्थ्य मेला आयोजन से संबंधित विभागों को दी बधाई। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा आतंक अपराधी रघु उर्फ रघुराज तोमर को एक वर्ष के लिए किया गया जिला बदर। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा आदेश जारी। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा आतंक अपराधी रघु उर्फ रघुराज तोमर को एक वर्ष के लिए किया गया जिला बदर। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा आदेश जारी। कलेक्टर फ्रैंक नोवले जिले के एक आतंक अपराधी को जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा जिले के एक आतंक अपराधी रघु उर्फ रघुराज महेंद्र उर्फ महावीर सिंह तोमर उम्र 38 वर्ष निवासी कर्माखेड़ी रुटियाई थाना धरनावदा जिला गुना को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है। बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह होने पर आयोजकों के विरुद्ध 2 वर्ष की सजा एवं 1,00,000 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान। कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए ने बाल विवाह के संबंध में ली अधिकारियों की बैठक। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल के गुना आगमन पर भाजपा जनों ने किया भव्य स्वागत। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रो SP सिंह बघेल का विगत रात्रि में बाय कार अशोक नगर से चलकर गुना आगमन हुआ। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि केंद्रीय कानून राज्य मंत्री के गुना आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शिकरवार के साथ भाजपा जनों ने गुना सर्किट हाउस पहुंचकर उनकी भव्य अगवानी कर उनका स्वागत किया। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री माननीय श्री SP सिंह बघेल जी का रात्रि में गुना आगमन हुआ। उनके आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुना सर्किट हाउस पहुंचकर उनकी भव्य अगवानी कर स्वागत किया। तत्पश्चात मंत्री श्री बघेल एक निजी शादी समारोह में सम्मिलित होकर रात्रि को बाय ट्रेन इंदौर देहरादून एक्सप्रेस से रात्रि 2 बजे आगरा के लिए प्रस्थान किया।
सफाई मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गुना जिले में आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस शाखा जिला गुना द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के तत्वावधान में प्रांतीय निर्देश अनुसार सफाई कर्मचारी एवं श्रमिकों की वर्षों से लंबित 18 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांगे इस प्रकार रखी। सफाई कारगरों को 2005 से पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल किया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों द्वारा इसको लागू किया गया है। मध्य प्रदेश की समस्त नगर निगम नगर पालिकाओं में सफाई ठेका प्रथा समाप्त की जाए। मध्य प्रदेश के समस्त सफाई कामगार मित्रों के पद से रोस्टर प्रणाली को समाप्त किया जाए। मध्य प्रदेश में वर्ष 1996 से 2007 एवं 2007 से 2021 तक के समस्त संविदा एवं दैनिक वेतन भोगी सफाई कामगारों एवं श्रमिकों को स्थायीकरण योजना का लाभ देते हुए नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश के नगर पालिका निगमों में कार्य श्रमिक वाहन चालक जिस पद पर हैं उस पद से संबोधित किया जाए तथा सर्विस पुस्तिका में पद नाम दर्ज किया जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदर्श क्रमिका संरचना 2014 को समाप्त किया जाए एवं अन्य विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। देखिएगा 18 सूत्री मांगे हैं हमारी और ये हमने 15 तारीख में ये ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम। उसी ज्ञापन की कॉपी ये आज रिवर्स की जा रही है ध्यान आकर्षण करने के लिए, क्योंकि हमारी 18 सूत्री मांगे हैं और हमको 15 तारीख में हमने जो ज्ञापन दिया था आज 25 तारीख हो गई है। हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को शीघ्र अति शीघ्र पूरा किया जाए, अन्यथा की स्थिति में ये कर्मचारी सब भाई लोग जो हैं ये हड़ताल की ओर जाने के लिए तैयार हैं और ये प्रांतीय लेवल का कार्यक्रम है, हमको निर्देश दिशा निर्देश वहाँ से मिल रहे हैं और हमको ये कहा गया है कि 5-5 दिन का गैप दे करके हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम हमारा है वो कार्यक्रम हम चला रहे हैं। यदि अगर ये हमारे इन मांगों को नहीं मानते तो आगे हम इस कार्यक्रम को और तीव्र करेंगे। 30 तारीख में हम एक शिफ्ट का कार्य बंद रखेंगे और 1 मई को पूरे दिन का कार्य बंद रखेंगे। इसके बाद में भी अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे और हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पब्लिक को हम परेशान करें। हम ये चाहते हैं हमारी जायज जो मांगे हैं उन मांगों को पूरा किया जाए। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया तो इस पर जो पब्लिक को परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने पेट के खातिर इस शहर की सफाई करते हैं तो हम अपने पेट के खातिर हम अपने हक अधिकारों को भी लेना जानते हैं। यदि अगर शिवराज सिंह सरकार अगर नहीं चेती और हमारे मांगों को पूरा नहीं किया तो आगे हम आंदोलन की ओर हड़ताल की ओर जाने वाले हैं। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी मांगों को शीघ्र अति शीघ्र पूरा किया जाए। क्यों पब्लिक को परेशान करवाना चाहते हैं? पूरे मध्य प्रदेश लेवल पर ये हड़ताल का आंदोलन होने वाला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा नाम महेश पारोचिया है, मैं कर्मचारी यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ।